हेलो दोस्तों, नमस्कार सबको। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ चैनल को कैसे मोनेटाइजेशन के पास में लेके जाना। अपने 400 हॉर्स, अभी जो यूट्यूब का नया जो टर्म्स एंड कंडीशंस आया उसमें 400 हॉर्स एंड टे अपना 1000 सब्सक्राइबर, पहले था 10,000 व्यूज़ हो जाएंगे, बट अभी वो उसमें से निकाल दिया है और 1000 सब्सक्राइबर और 400 व्यूज, 400 हॉर्स यानी 400 घंटे पूरे करना है। तो अभी जैसे अपन 400 घंटे पूरे करने के लिए अपने को क्या करना है, कैसे अपने वीडियो पे व्यूज़ लाने हैं और कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ अपने को उसके लिए क्या करना है। 400 घंटे पूरे करने के लिए एक तो अपना वीडियो का जो लेंथ रहता है वो लेंथ काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अपने 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट का वीडियो नहीं रहना चाहिए, वो कम से कम 15 या 20 मिनट का वीडियो रहना ही रहना चाहिए उसमें। एक बार अभी जैसे अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें अपने को जो उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में अपने को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, अपने को डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले वो वीडियो किस लेवल का है उसकी पूरी कंफर्मेशन अपने को लेनी है। उसके बाद में उसको जैसे आप अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना रहता है, बोला ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका कुछ कंटेंट बना के आपको लिखना है, कुछ अच्छा जो वायरल होने में आपको दिक्कत नहीं हो। अभी जैसे आपने कोई, जैसे मेरा फनी वीडियोज़ है तो मैं उसमें वही टाइप के वीडियोज़ डाल रहा हूँ जो फनी वीडियोज़ है, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग फनीस्ट कुछ भी अलग आप उसका वीडियो का जो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। अभी उसमें नीचे आता है टैग, टैग तो हैशटैग का आपको कहाँ कहाँ पे प्रयोग करना है, और शायद आपको टैग का मालूम नहीं है लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक ट्यूब बड्डी करके ऐप है, उसमें आप जैसे अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको वो आपका वीडियो दिखेगा जो भी आपने अपलोड किया है, और जो पुराने वाले हैं तो आप उससे भी सजेस्ट और एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी टैग्स रहते हैं। और एक दूसरी बात कि जैसे आपका वीडियो का लेंथ बड़ा होना चाहिए, टैग उस पर बराबर आना चाहिए, तो जैसे जैसे आपका वीडियो वायरल होगा। और एक वीडियो में ख़ास बात यह है कि आपका वीडियो जैसे जैसे लंबा जाएगा तो क्या करते हैं सब्सक्राइबर जो भी व्यूज़ होते हैं वो बीच में निकाल देते हैं, उसमें वो चीज़ होनी चाहिए कि वीडियो को पूरा देखे क्या, तो उस वीडियो को आपको पहले उसमें ऐसा कुछ डालना चाहिए कि वो वीडियो पूरा व्यूज़ पूरा एंड तक देखे। तो जैसे आपका 15-20 मिनट का वीडियो भले ही कम वीडियोज़ हो लेकिन जो भी वीडियो जाता है, और एक ख़ास बात उसमें है कि आपको पर डे का कम से कम एक वीडियो आपको डालना है, तो आपके सब्सक्राइबर और व्यूज रेगुलरली आपको देखेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक दूसरी उसमें आपको क्या है कि एक जैसे आपके सब्सक्राइबर नहीं आ रहे तो आपको उसके लिए क्या करना है, गूगल ऐप पे जाने का, सब फॉर सब करके एक ऐप है, उससे भी आप कुछ सब्सक्राइबर ले सकते हैं, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे रहते हैं जैसे कि आप 2 दिन में सब्सक्राइबर आपने बनवा लिए लेकिन वो फिर से घट जाते हैं, लेकिन ये पोजीशंस नहीं आती हैं। फिर भी आपको ट्राई उसमें करना है, 5 से 10-20 जो भी सब्सक्राइबर बनाने हैं वो बनाने का है। एक ये वीडियोस को वायरल कैसे करें, तो उसके लिए आपको जो ये आप मैंने बताया जैसे टैग, आपको लेटेस्ट वीडियो देखने हैं यूट्यूब में जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो कौन से वीडियोज़ हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उन वीडियो को बनाने वाला कौन है, तो उनके आप टैग करके भी अपने वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं।
और देखिए, मेरे वीडियोज़ मैंने अभी 2 महीने में किया है, लेकिन मेरे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ, वो 1300 के समथिंग कुछ व्यूज़ है उस पर, और 220 करके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर में भी, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। मेरे को भी दिक्कत आ रही है कि क्या वीडियो कहाँ से लाएं, वीडियो कैसे बनाएं, लेकिन ये सब आपको क्लेरिफिकेशन करना है। अभी कुछ वीडियोज़ में खुद भी बनाता हूँ, कुछ वीडियोज़ अपने व्हाट्सएप में से कुछ जो सजेस्ट है उनको रीमेक करके भी आपको अपलोड करता हूँ। और उसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, अपने को कॉपीराइट कंटेंट नहीं डालना है फ्रेंड्स। ये एक सजेस्ट है मेरा, क्योंकि जैसे अपन मोनेटाइज चैनल अपना रिव्यूज़ पे जाएंगा तो अपने चैनल में बहुत प्रॉब्लम आएंगे, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकती है। तो ये बात ध्यान रखने का कि कोई भी कॉपीराइट कंटेंट अपने वीडियो में अपलोड नहीं करें। और अपने व्यूज का ये गूगल एडसेंस भी एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर प्रमोट करवा सकते हैं। बाकी ये जो दो तीन, जैसे लिफ्ट माई ट्यूब करके एक है, वो सिर्फ एकदम फेक है, उनसे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी आपको समझना है अपने वीडियो को कैसे वायरल करना है, कैसा हैशटैग देना है, अपने वीडियो की लेंथ क्या है, ये कुछ बातें हैं। वो आपको अपलोड करते टाइम डिस्क्रिप्शन का, वीडियो की लेंथ है, उसमें कौन सा आप सॉन्ग डाल रहे हैं या कुछ और कुछ डाल रहे हैं, कुछ भजन्स डाल रहे हैं, कुछ फनीश डाल रहे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ डाल रहे हैं, जो भी डाले, जो भी डिस्क्रिप्शन, जैसा आपका वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन जो भी निकालना है आपको, पहले निकाल के वो आपको वीडियो का नाम जो भी रखना है, वो वीडियो का नाम आप पहले अपने YouTube चैनल के ट्रेंडिंग में जाके देखिए कौन सा वीडियोज अभी वायरल ज़्यादा हो रहा है, तो उसका टैग और उसका टैग सेम करवा दीजिए, तो वो भी आपकी वीडियो को वायरल करने में बेटर रहेगा। एंड लेट देन यू कैन हैशटैग, जो मैंने बताया, जैसे संजू मूवी है तो संजू फुल मूवी, लेटेस्ट मूवी, ऐसे कुछ टैग्स अभी के लिए, और कुछ भी हैशटैग आप इसके लिए ट्यूब बडी जो मैं ऐप बता रहा गूगल प्ले स्टोर पे, आप सर्च करके उसको डाउनलोड करके उसमें अपना चैनल फिक्स करवा दीजिए, तो आपको वहाँ से आपको भी कुछ सजेशंस मिलते रहेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा दीजिए, और तो मैं आपको रोज़ रोज़ नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।